अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी कढ़ी पकौड़ा की। और ये कढ़ी पकौड़ा की जो रेसिपी है, ये मेरे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके रिक्वेस्ट पर मैं बना रही हूँ। और कढ़ी पकौड़ा की जो रेसिपी है, ये पंजाबी स्टाइल के कढ़ी पकौड़ा है। तो बहुत ज़्यादा आप सबके रिक्वेस्ट पर स्टार्ट करते हैं कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी। तो आपको आई होप कि ये पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। दुआ में याद रखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं अब कढ़ी पकौड़ा बनाने की रेसिपी। आगे पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान याद रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज जो रेसिपी मैं आप सबसे शेयर करूँगी वो है पंजाबी कढ़ी। सो पंजाबी कढ़ी बनाने के लिए पहले हम उसकी सॉस बनाएंगे। तो सॉस बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। बेसन हमें चाहिए 1 कप, ऑयल हमें चाहिए 1/2 कप, योगर्ट चाहिए हमें 2 कप, ऑनियन 1 स्मॉल साइज़ का, जिसको बहुत आपने थिनली काटना है या आप इसको इसकी पेस्ट भी बना सकते हैं। अदरक हमें चाहिए थिन, पेस्ट ले लें आप इसकी या इसको भी चॉप थिनली चॉप कर लें आप इसको। ये हमें 1 टेबल स्पून चाहिए, फ्रेश लें अदरक। गार्लिक भी हमें चाहिए 1 टेबल स्पून फ्रेश। ग्रीन चिली हमें चाहिए 4, इसको भी बड़ी चॉप कर लें। ज़ीरा 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, ड्राई रेड चिलीज 5, करी लीव चाहिए हमें 8, मेथी दाना 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। अब हम अपनी सॉस बनाना शुरू करते हैं। सबसे आप पहले हमें करना ये जो बेसन है इसको आपने छान लेना है। मैंने छान लिया इसको। इसमें हम ऐड करेंगे हमारे पास जो योगर्ट थी वो ऐड कर लेंगे। इसी के अंदर हमने अपनी ये जो हमारे पास हमारी रेड चिली पाउडर है ये ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसमें हमने अब 4 ग्लास पानी डालकर, मैं ये वाला ग्लास यूज़ कर रही हूँ, ये ग्लास पानी 4 हमने ऐड करने हैं इसके अंदर। और इसको हमने अब अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है कि ताकि कोई इसमें लम्स ना रहे, कोई गिल्टी आने ना रहे। ये हो गया मिक्स। अब हम इसको एक साइड पे कर देंगे और अब हम अपनी सॉस का मसाला तैयार करेंगे। अब हम अपनी सॉस तैयार करेंगे। पॉट को मैंने स्टोव पे रख दिया है। अब इसमें हमने ऑयल ऐड करना है। इसमें ऐड करेंगे हम मेथी दाना। मेथी दाने को स्टर करेंगे फ्यू सेकेंड के लिए। साथ ही इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। ज़ीरे को भी स्टार करेंगे फ्यू सेकेंड के लिए। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर, गार्लिक, ऑनियन, स्टार करेंगे। ड्राई रेड चिली ऐड करेंगे, ग्रीन चिली ऐड करेंगे, स्टर करेंगे। करी लीफ ऐड कर देंगे। इनको हमने अब 1 मिनट के लिए भूनना है। फिर बस जो लहसुन और अदरक है और प्याज है, ये अपना थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, लाइट पिंक सा हो जाए। ऑनियन और प्याज और अदरक में अच्छा सा कलर हो गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने अपनी दही और बेसन को मिक्स करके रखा था। अब हम इसमें आराम से ये ऐड कर देंगे। स्टर करेंगे इसको और हमारे इसको बॉयल करने का वेट करेंगे।
और जब इसको बॉयल आ जाएगा तो मीडियम टू लो रखकर हमने इसको 40 to 45 मिनट पकाना है, और इतना पकाना है कि ये एक अच्छी सी थिक सी हो जाए। जितनी आपने इसको थिकनेस रखनी है उतनी हम इसको रखेंगे। तो अब हम इसको 40 कवर करके तो बॉयल आने का वेट करते हैं और 40 to 40 पका लेंगे। जब तक हमारी कढ़ी की कढ़ी तैयार हो रही पक रही है तब तक हम अपने पकौड़े तैयार कर लेते हैं। तो पकौड़े बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, बेसन हमें चाहिए 5 टेबल स्पून, धनिया चाहिए हमें, ऑयल फ्राइंग के लिए चाहिए, ऑनियन हमें चाहिए एक लार्ज साइज़ का जिसको बहुत बारीक मैंने काटा है, एक हमें लार्ज साइज़ का आलू चाहिए इसको भी मैंने बहुत बारीक काट लिया है, ग्रीन चिली चाहिए 4, अनारदाना चाहिए हमें 1 टीस्पून, सूखा धनिया इसको आप मोटा मोटा कूट लें तो ये हमें चाहिए 1 टीस्पून, गरम मसाला चाहिए हमें 1 टीस्पून, ज़ीरा चाहिए 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक बॉल लेना, उसमें हमने बेसन को ऐड करना है, सॉल्ट ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर, क्रश्ड सूखा धनिया, अनारदाना धो लें आप क्योंकि इसमें कुछ मिट्टी वगैरह भी हो सकती है। ये सब चीज़ों को डाल के आपने पानी के साथ इसका एक थिक सा बैटर बना लेना है। पानी डाल के थोड़ा थोड़ा सा इसको एक थिक सा बैटर बना लेते हैं इसका एक। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम ग्रीन चिलीज, ऑनियन ऐड करेंगे, आलू ऐड कर देंगे, धनिया ऐड करेंगे, और इन सब चीज़ों को अच्छे से वेल कंबाइन कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। बैटर अच्छे से मिक्स हो गया, अब हम इसके पकौड़े बनाएंगे। पकौड़े का साइज़ आप अपनी मर्जी से रख लें, मैं मीडियम रख रही हूँ। फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखनी है ताकि पकौड़ा अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए। हम इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे ताकि अंदर तक कुक हो जाए। पकौड़े हमारे सारे फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको कढ़ी में डालेंगे। कढ़ी को पकते हुए 45 मिनट हो गए हैं, ये अब रेडी है। अब हम इसमें पकौड़े सारे ऐड कर देंगे और तड़का तैयार करेंगे। पकौड़े इसमें ऐड करते जाएंगे। फ्लेम हमने मीडियम टू लो कर दी है, सारे पकौड़े इसमें ऐड कर देंगे। तड़के के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ऑयल चाहिए हमें 1/2 कप, हम वही ऑयल यूज़ करेंगे जो हम जिसमें हमने पकौड़े तले थे। इसके अलावा हमें चाहिए ज़ीरा 1 टीस्पून, करी लीफ हमें चाहिए 8 to 10, और ड्राई रेड चिली चाहिए हमें 4। अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। पैन में हमने ऑयल डाल दिया, गर्म हो गया तो हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे, रेड चिली डाल देंगे और कड़ी लीफ डाल के इसको स्टर करेंगे। 1 मिनट के लिए इसको स्टर करेंगे।
एक मिनट के लिए हमने इसको स्टार्ट कर लिया। अब हम इसको कढ़ी पे डाल देंगे। इसको स्टार्ट कर लेंगे दफा और हमारी मज़ेदार सी कढ़ी तैयार है। और हम स्टोव को ऑफ कर देते हैं। हमारी मज़ेदार सी पंजाबी कढ़ी तैयार है। आप इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर भी कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दुआ में याद रखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।